दिलासा है ये समा, लिख रहे हैं नए दास्तां। खिदमत में है इबादत, मेहनत है अपना ईमान। रहो चलते रहो, रहो बढ़ते रहो, तुम हो पाकिस्तान। रहो चलते रहो, रहो बढ़ते रहो, तुम हो जी। में ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो इस ग्रीन लाइट जो सर्विस है इसको यूज़ करना चाहते हैं या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मसला ये कि बहुत सारे लोग शर्माते हैं क्योंकि उनको इस प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि आपको टिकट कहाँ से लेना है, सही है, आपको टिकट स्कैन कैसे करवाना है, आपको पिकअप स्पॉट क्या है, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का किराया क्या है, ब्ला ब्ला। तो आप लोगों के इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कंप्लीट गाइड बनाई है ग्रीन लाइट सर्विस की। तो इस बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए यार। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे नागन वाले स्टॉप से, सही है। अब यहाँ से जाएंगे हम टूके, सही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आपको टिकट कैसे लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे हैदरी, सही है, हैदरी जा रहे हैं। उसका 55 रुपये किराया है। आपका अभी कार्ड नहीं बना हुआ, पहले कार्ड बनवाना है। अगर आपको कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको 55 रुपये किराया बनना कम हो जाएगा। क्या दो टिकट दे रहे हैं आप? दिखा रहे हैं, थैंक यू। ये स्कैन होने, थैंक यू यार। अभी बाबू और हम लोगों ने टिकट ले लिया है, 55 रुपये का टिकट है, सही है, क्योंकि आपका कार्ड नहीं बना हुआ। कार्ड बनना लाजमी है, एक तरीके से रिचार्ज टाइप का कार्ड है वो, उससे ना आपके किराया आधा हो जाएगा। तो अभी अपने रास्ते की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये टिकट कैसे चार्ज होगा, कैसे चेक होगा। डबल है, देखो ये ना इस तरह से करते, नेक्स्ट टाइम कर लेना। करना कहाँ से आपको, कहाँ जाना है? हैदरी, हैदरी जानी। जब आप हैदरी पे उतरेंगे ना, वहाँ पे एग्जिट की मशीन होगी, उधर से दिखा के आप ही पार जा सकते। यार अभी बात बताओ मुझे, मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये जो मिला है टिकट उधर आ रहा है, 55 रुपये में हमें कुछ खाने पीने का तो नहीं मिलेगा वहाँ पे? अभी ये सिर्फ टिकट है, सिर्फ टिकट है, ये सिर्फ टिकट है। बस में बताया था कि हमें वाईफाई भी मिलेगा, यहाँ तो कोई वाईफाई नहीं है। वाईफाई आ रहा है नहीं, क्या हो रहा है तो नहीं आ रहा। अरे बाबू किस बात की हमने 55 रुपये दिए हैं, कोई वाईफाई नहीं आ रहा। शुरू से मैं सुनता आ रहा हूँ कि वाईफाई फ्री है, वाईफाई फ्री है, वाईफाई फ्री है, वाईफाई आ नहीं रहा है बस में, सही है। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एमरजेंसी है हमारे, आपको इमरजेंसी आए आप ये दबा दीजिए। USB पोर्ट वगैरह लगा हुआ है प्रॉपर, आईफोन का भी है, एंड्रॉयड का भी है। यार हम कराची वालों को एक नई तरह की पिकनिक स्पॉट मिली है। सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को अपनी मंजिल नहीं पता, जाना का है बस। लोग ऐसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जा रहे, जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे कराची में बड़े अरसे बाद ऐसी कोई सर्विस आई है तो इसको हम सही से इंजॉय कर रहे हैं। बदला सा है ये समा, लिख रहे हैं नए दास्तां। खिदमत में है इबादत, मेहनत है अपनी।
स्कैन कैसे होता है। तो इस तरीके से हम लोग नागन चौरंगी का जो वो जो स्टॉप है वहाँ से हम आ चुके हैं हैदरी। टिकट भी आपको लेना सिखा दिया, टिकट किस तरह क्लेम होता है, क्या कहते हैं उसको, टिकट किस तरह चेक होता है वो भी आपको बता दिया, स्कैनिंग। अब ज़रा अंदर का चीज़ें चेक करते हैं कि क्या क्या सीन है, कितना इम्प्रूवमेंट है और क्या क्या कैसा बना हुआ है। 55 रुपये का टिकट लेके बाबू और हम खड़े हुए हैं, ये देख लो इतना तो W18 में ना VIP सीट मिल जाती ड्राइवर के बराबर में, यकीन करो। यहाँ पर ये वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, इस वाईफाई डिवाइस का सिग्नल आता नहीं है। 110 रुपये लुटा के हम लोग सिर्फ हैदरी से नागन चौरंगी से यहाँ पर आ चुके हैं वापस। बंदर भी तंग आ गया है। बोला कि यार ये 55 रुपये का टिकट इतना महंगा दे दिया तुम लोगों ने। हमारी दोनों राइड हो चुकी हैं, हम आ भी गए, हम चले भी गए और अब हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं घर। तो ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों को बता दे चलूँ कि 1 मिलियन होने में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर रह गए, बस वो जल्दी से पूरे कर दूँ। यार ये जो 220 रुपये देख रहे हैं ये हमने ज़ाया करें और फिर ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ग्रीन लाइन सर्विस में जब हम ब्लॉग कर रहे थे तो एक अंकल हमें टकराए, उन्होंने बोला कि बेटे आप ये कैमरे से बात क्यों कर रहे हैं। मेरे अंकल इसको कैमरे से बात करना नहीं कहते, इसको ब्लॉग कहते हैं। तो कहने अच्छा अपने व्लॉग में ये बात ज़रूर डालिएगा कि ये जो बस सर्विस है हम कराची वालों को काफ़ी सालों के बाद नसीब हुई है, तो इसका ख्याल भी हमें खुद रखना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।